नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल ऐप के बारे में बातचीत करेंगे। जो स्पेशल ऐप का नाम है एरो लॉन्चर। ये एरो लॉन्चर आपका माइक्रोसॉफ्ट का नया प्रोडक्ट है, जो उन्होंने एक नया लॉन्चर लॉन्च किया है जो ओनली फॉर काम करेगा गूगल डिवाइसेस के लिए, मतलब एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। तो चलिए पहले गूगल स्टोर पर और इसको डाउनलोड करते हैं। चलिए इस एरो लॉन्चर को लॉन्च करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि एरो लॉन्चर जो माइक्रोसॉफ्ट का नया लॉन्चर उन्होंने लॉन्च किया एंड्रॉयड फोन्स के लिए, तो अभी देखते हैं ये लॉन्चर कैसा दिखता है। तो पहले आपको ये स्क्रीन आएगा, मेड फॉर यू स्मार्ट, द मोर यू यूज़ एरो द बेटर, मेड फॉर यू, वैसे बहुत सारी ये है। उसके नीचे आपको दिखाई देगा कि गेट स्टार्टेड। सो गेट स्टार्टेड होता है अभी एनालाइजिंग योर एप्स। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर सब एप्स हैं। अभी यहाँ पर देखिए नीचे आपका एक कंटेंट है या फिर आपका मैसेज है जो आप देख पाएंगे। वहाँ पर लिखा है कंफर्म एटलीस्ट 8 ऑफ योर मोस्ट यूज्ड ऐप। तो यहाँ पर शायद फेसबुक ऑलरेडी क्लिक्ड है, तो मुझे 8 ऐप सिलेक्ट करना पड़ेगा जो शायद मैं फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करता हूँ। इट्स 1 2 3 4 5 6 7 नाउ यूट्यूब 8। उसके बाद मैं कर देता हूँ डन। ओके, एरो हैज़ हैडेड टू मोस्ट यूज ऐप, मतलब जो मोस्ट यूज ऐप है वो आपको स्क्रीन पे ऐड हो गया। ओके सो नाउ डिफॉल्ट लॉन्चर, जैसे मैं लेनोवो फोन अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो इसको बाद में करते हैं। तो अभी जैसे आपका ये लॉन्चर इंस्टॉल हो चुका है, इधर आपका रिसेंट एप्स है, इधर आपका कॉन्टैक्ट्स है। सो अगर आप ऐप ट्रे में जाएंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशंस है वैसे ऐसे आपको अप्स एंड डाउन उनसे आपको ऐसे ही मिलेगा, A to Z तक आपको नंबर वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारा जैसे ऐप होता है वहाँ पर भी मतलब स्लाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट स्लाइड होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट नहीं है, यहाँ पर टॉप टू बटन ऐसा स्लाइड्स है। अगर कुछ भी आपको ढूंढना है यहाँ पर ढूंढ सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल सर्च ऑप्शन भी है, सर्च में जाके अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल YouTube सर्च करते हो तो YouTube पे आ जाएगा। एनी एनी एप्लीकेशन आप अगर ढूंढना चाहते हैं लाइक फाइल एक्सप्लोरर एनीथिंग, तो आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा नोटिफिकेशन, डेफिनेटली नोटिफिकेशन पैनल में तो वैसा कुछ चेंजेस नहीं आता है, ये नॉर्मल सेटिंग्स है फ़ोन का सेटिंग। इसके अलावा यहाँ पर जैसे सिस्टम मैनेज ऐप्स और वॉलपेपर, तो वॉलपेपर वगैरह में जाते हैं तो नॉर्मल जैसे अलग अलग, अभी जैसे एरो का कुछ वॉलपेपर आ गया है तो देखते हैं एरो का क्या क्या वॉलपेपर है। तो यहाँ पर बहुत सारा वॉलपेपर है, और अगर आप चाहे तो कुछ वॉलपेपर यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली आपका खुद का वॉलपेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है मैनेज ऐप्स। मैनेज ऐप्स में तो आपका नॉर्मल जो ऐप्स का हम लोग का सेटिंग्स होता है वहाँ पर ये रीडायरेक्ट हो जा रहा है। सिस्टम सेटिंग्स मतलब भी हमारा जो फ़ोन का सिस्टम सेटिंग्स है, और ये तो आपका कॉन्टैक्ट्स है जो हम लोग नॉर्मली मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वो वाला कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर, मतलब कॉल लॉग्स में जो लेटेस्ट लॉग्स है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर इस साइड पे आप जाते हो ये भी आपका रिसेंट जो कॉल्स, मतलब रिसेंट मेरा जो एक्टिविटीज़ है लाइक जो कॉल आया है या फिर लाइक कोई वीडियो मैंने देखा है या फिर क्लिक किया है, जैसे थर्सडे यस्टरडे को मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया, तो ये सब चीज़ का यहाँ पर है। और रिसेंट मैंने जो भी एप्लीकेशन है यहाँ पर होगा। तो और जो ये होम ऐप है इसको शायद मैं हाइड भी कर सकता हूँ। यस, अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो मुझे टैप करके, यहाँ पर अलग अलग ऐड विजेट्स हैं जो जो हमारा इनबिल्ट जो विजेट है उसको हम ऐड कर सकते हैं, या फिर एरो सेटिंग्स में हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। एरो सेटिंग्स में देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सेट डिफ़ॉल्ट मतलब सेट ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट, वो तो मैंने किया नहीं क्योंकि मैं ये ब्राउज़र उतना इस्तेमाल करूँगा है नहीं। लैंग्वेज, यहाँ पर बहुत सारा लैंग्वेज है, तो बाई डिफ़ॉल्ट वो सिस्टम का जो इंग्लिश है वही उन्होंने यहाँ पर डाल दिया है। अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो आर्क एडुकेशन अकाउंट है, और वन टन लिस्ट अकाउंट है तो इसमें हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। जैसे आप विंडोज 10 या 8 पे जब लॉग इन करते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी आउटलुक का लॉग इन करना पड़ता है, या फिर जैसे गूगल में हम लोग एंड्रॉयड में गूगल का लॉग इन करते हैं वैसे ही इसका ऑप्शन है। यहाँ पर और एक चीज़ है डबल टैप टू स्क्रीन लॉक, ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर हम देखते हैं डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में जाके अगर इसको हम एक्टिवेट करते हैं,
तो देखते हैं ये एक्चुअली काम करता है कि नहीं। डबल टैप टू लॉक, तो ये शायद होम पेज में जाके करना पड़ेगा। लेट्स सी, भी होम पेज में आ गए हम लोग। डबल टैप लॉक, वाओ इट्स वर्किंग। और डबल टैप टू अनलॉक तो नहीं है, तो डबल टैप टू लॉक तो है, तो ये तो काफ़ी अच्छा लगा ये वाला फीचर्स। सो ये एक फीचर है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा हिडन ऐप, जैसे मैंने एक ऐप को अभी मैंने हाइड कर दिया, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको चाहे तो आप अनहाइड भी कर सकते हो जो भी चीज़ है। सो ये सब चीज़ें आप अनहाइड कर सकते हो जो है। अच्छा यहाँ पर जो आइकन है, इसका मतलब है अगर आप और भी आइकन पैक चाहते हो तो आपको, इसका मतलब है अगर आप और भी आइकन पैक चाहते हो तो आपको जाके उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। यही है जो आप देख पा रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट का एरो लॉन्च यही है। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एरो लॉन्चर के बारे में, अगर इसके बारे में और माइक्रोसॉफ्ट एरो लॉन्चर के बारे में अगर इसके बारे में और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है आप इसको लाइक बटन, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अगर अभी तक आपने हमारा डेटा डॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा डेटा डॉग चैनल को सब्सक्राइब, आपका हेल्प ये चैनल को आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए कि मदद करे हेल्प ये चैनल। अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए डेटा डॉग। मैं हूं आपका दोस्त अमित।